हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां यूक्रेन में पांचवे जनरल की मौत से भड़का रसिया, दागी हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु हमला करेंगे पुतिन। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर जिनके पास तेल के भंडार है वो हमें उपदेश ना दे। जी हां दोस्तों, रूसी तेल पर आर पार की लड़ाई के मूड में अपना भारत। जी हां दोस्तों, सब में बड़ी खबर आपको बताएंगे। इसी बीच बताएंगे जहां भारत के लिए दोस्त जापान ने खोला खजाना। जी हां दोस्तों, इतने अरब डॉलर का गिफ्ट भारत को दिया है पीएम फुमियो किशिदा ने। जी हां दोस्तों, इसी बीच बताएंगे जहां पर जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को दी है बड़ी चेतावनी, रूस की मदद की तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, और ताइवान से रहे दूर। यानी कि दोस्तों, एक ही बयान में दोनों बातों को लेकर बड़ी चेतावनी चाइना को अमेरिका ने दी है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां अब इमरान खान निश्चित तौर पर जाने वाले हैं दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां योगी जी के शपथ ग्रहण में सोनिया गांधी के शामिल होने पर कांग्रेसी नेता को बहुत बड़ी आपत्ति है दोस्तों। बताएंगे क्या कहा इन्होंने। तो दोस्तों, हर तरह की जानकारी आपको हम देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हम हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हां तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है। और आपको भी भारतीय होने पर शान है और मानते हैं कि भारत देश नंबर वन देश, और भारत की विदेश नीति सबसे टॉप की सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन में पांचवे जनरल की मौत से भड़का रूस, दागी हाइपरसोनिक मिसाइल क्या परमाणु हमला करेंगे पुतिन। जी हां दोस्तों, रूस का बहुत बड़ा दावा, हाइपरसोनिक मिसाइल से नष्ट किया यूक्रेन के हथियारों का जखीरा। नॉर्वे में युद्धाभ्यास के दौरान गायब हुआ अमेरिकी विमान, बहुत बड़ी खबर दोस्तों। यूक्रेन में पिछले 24 दिनों से भीषण हमले कर रहे रूस ने अब जंग में अब अपनी महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उनकी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया है। रूस ने इन घातक मिसाइलों का इस्तेमाल ऐसे समय पर किया है जब यूक्रेन की जंग में रूस के एक और जनरल एंड्रेई मोदिरोविचेव की लड़ाई के दौरान मौत हो गई। इस अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन में परमाणु हमला भी कर सकता है। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर। इसी बीच नॉर्वे का प्रशासन शुक्रवार को अमेरिकी नौसेना को इस विमान की तलाश करती दिखाई दे रही है जो प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान लापता हो गया। नॉर्वे की सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि नौसेना का विमान ओस्प्रे शुक्रवार रात को लापता होने के कारण आर्कटिक सर्कल नगर पालिका बोर्डो पर नहीं उतरा। बयान के मुताबिक इसके बाद असैन्य संयुक्त बचाव समन्वय केंद्र उत्तरी नॉर्वे ने एक खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। नॉर्वे की सेना ने शुक्रवार देर रात कहा कि बोर्डो के दक्षिण में खोज हवाई माध्यम से की गई है दोस्तों। ऐसे में रूस ने बहुत बड़ा दावा किया है कि उसने यूक्रेन के एक बड़े भूमिगत हथियारों के डिपो पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया, और इस हमले में यूक्रेन की मिसाइलें और एयरक्राफ्ट से जुड़े हथियार नष्ट हो गए हैं दोस्तों। यानी स्थिति बेहद गंभीर और बेहद खराब होती नजर आ रही है दोस्तों। इस पर आपकी निजी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां रूसी तेल पर आर पार की लड़ाई के मूड में है भारत सरकार। कहा, जिनके पास तेल के भंडार हैं वो हमें उपदेश ना दे। जी हां दोस्तों, रूस से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदने की ऑफर को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना और अमेरिका से मिली चेतावनी का भारत ने दो टुक जवाब दिया है। और भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि वो देश जिनके पास तेल के भंडार हैं और जिन देशों में तेल की कोई किल्लत नहीं है वो हमें तेल को लेकर सलाह ना दे। भारत की यह सख्ती उस वक्त आई है जब अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश भारत पर रूस के खिलाफ बयान देने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि वैध ऊर्जा लेन देन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। भारत की तरफ से शुक्रवार को पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि तेल आत्मनिर्भरता वाले देश या रूस से खुद तेल आयात करने वाले लोग विश्वसनीय रूप से प्रतिबंधात्मक व्यापार की वकालत नहीं कर सकते हैं। भारत का इशारा साफ तौर पर दोस्तों ब्रिटेन और जर्मनी देशों की तरफ है जो पिछले कई दशकों से रूस से तेल खरीद रहे हैं, और
यूक्रेन संकट के बाद भी रूस से तेल और गैस खरीदने पर प्रतिबंध लगा नहीं पाए हैं जर्मनी ने, तो रूस से तेल खरीदने पर बैन लगाने से साफ हाथ उठा दिए हैं। तो ब्रिटेन की तरफ से अभी तक विचार ही किए जा रहे हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, लेकिन इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। अब भारत भी आक्रामक होता नजर आ रहा है और उन सभी को जवाब दे रहा है दोस्तों जो भारत को जबरदस्ती बाध्य कर रहा है रूस के खिलाफ जवाब देने के लिए। इस पर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। खबर की बात करें अगली, जहां भारत के लिए दोस्त, जापान ने खोला खजाना, पीएम फूमियो किशिदा देंगे $42 अरब का गिफ्ट। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में चल रही जंग और चीन के साथ तनाव के बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के बेहद अहम दौरे पर पहुंच गए हैं। इस दौरे पर जापानी पीएम भारत में अगले 5 साल में $42 अरब के निवेश का ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम किशिदा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्वाड और यूक्रेन को लेकर अहम चर्चा कर सकते हैं। साल 2022 में जापानी पीएम पहले ऐसे विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं जो भारत के दौरे पर आए हैं। जी हां दोस्तों, जापानी न्यूज संगठन निक्केई की रिपोर्ट के मुताबिक किशिदा भारत को $2.5 अरब का लोन देने के लिए भी सहमत हो सकता है। जापानी पीएम अपनी यात्रा के दौरान पब्लिक प्राइवेट के बारे में खुलासा करेंगे और वो जापानी कंपनियों के भारत में विस्तार के बारे में ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों, जापानी निवेश का बहुत बड़ा लक्ष्य शिंजो आबे के प्रधानमंत्री रहने के दौरान साल 2014 में बना था। ताजा निवेश के ऐलान से किशिदा अब शिंजो आबे को भी पीछे छोड़ देंगे। शिंजो आबे ने जहां 3.5 ट्रिलियन येन निवेश का ऐलान किया था, तो वहीं अब 5 ट्रिलियन का निवेश होगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर मोदी जी के लिए। क्वाड बैठक के लिए जापान भी जाएंगे पीएम मोदी। आपके जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जापान इस समय भारत के शहरी आधारभूत ढांचे के विकास में मदद कर रहा है। इसके अलावा जापान की मदद से भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम चल रहा है। दोस्तों, जापानी पीएम 2 दिनों तक भारत में रहेंगे और ये भारत और जापान के बीच 14वां शिखर सम्मेलन है जो 3.5 साल के अंतराल के बाद होने जा रहा है। किशिदा ने 4 अक्टूबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस यात्रा के दौरान किशिदा और पीएम मोदी जी दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों और द्विपक्षीय सहयोग की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी हमने आपको दी ऐसे में। जापानी पीएम फूमियो किशिदा को दोस्तों थैंक यू जरूर कह दीजिएगा और मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को दी है घनी चेतावनी रूस की मदद की तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, ताइवान से रहें दूर। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चेतावनी दी है कि अगर बीजिंग ने यूक्रेन पर हमले में पुतिन की मदद की तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। करीब 2 घंटे तक चली बातचीत के दौरान जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से यह भी कहा कि वो ताइवान से दूर रहे। जो बाइडेन ने जिनपिंग को बताया कि अगर चीन ने रूस की मदद की तो इसका क्या असर होगा और उसे क्या परिणाम भुगतने होंगे। इसी बीच चीन ने संकेत दिया कि जो बाइडेन की धमकी के बाद भी वो रूस की हथियारों से मदद कर सकता है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां यदि भारत से बातचीत के मूड में है चीन तो नई दिल्ली को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, भारत के प्रति चीन के लहजे में नरमी आती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद कि 3 मार्च को क्वाड नेताओं की वर्चुअल मीटिंग में नई दिल्ली ने यह जोर देकर कहा था कि 4 देशों के गठबंधन को हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने मूल उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। हालांकि क्वाड नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की। दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि भारत के आग्रह पर इस बैठक में रूस की निंदा नहीं की गई है। यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हमले ने चीन सहित सभी को चौंका दिया है। दोस्तों, बीजिंग के नेता निश्चित तौर पर महामारी से तबाह दुनिया की आर्थिक व्यवस्था पर युद्ध के प्रभावों से चिंतित होंगे। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का गहरा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। दोस्तों, यदि पुतिन नहीं माने तो अमेरिका और पश्चिमी देश और अधिक प्रतिबंध लगाते हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर रैली में बरस रहे थे पुतिन की अचानक बंद हुआ लाइव, कह रहे थे जरूरी था यूक्रेन में ऑपरेशन, अमेरिकी धमकी बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक विशाल काय रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां राष्ट्रपति
पुतिन को देखते ही वहां मौजूद उनके हजारों समर्थक पुतिन पुतिन रशिया रशिया के नारे लगाने लगे और समर्थकों का उत्साह बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को जायज ठहराने की भी कोशिश शुरू कर दी। लेकिन तभी रूसी राष्ट्रपति का टेलीविजन लाइव टेलीकास्ट बीच में ही बंद हो गया। जी हाँ दोस्तों, भले ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को प्रतिबंधों की रस्सी में जकड़ दिया हो, लेकिन रैली में राष्ट्रपति पुतिन के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और किस कीमत पर करना है, और हम अपनी सभी योजनाओं को पूरी तरह से पूरा करेंगे। 69 साल के पुतिन जब मंच से अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उनके समर्थकों के हाथ में कई तरह के स्लोगन्स लहरा रहे थे। कुछ स्लोगन नाजियों को दुनिया से हटाएंगे हमारे राष्ट्रपति के लिए जैसे लिखे हुए थे। दोस्तों, रैली में इस्तेमाल किए गए कई रूसी नारों में जेड प्रतीक भी शामिल था, जिसे रूसी सेना ने यूक्रेन में एक आदर्श के रूप में इस्तेमाल किया है। और एक स्लोगन पर लिखा था, आगे बढ़ो पुतिन, आगे बढ़ो। ऐसे में दोस्तों आप सभी से एक सवाल है, क्या पुतिन अपनी जगह सही है? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा यूक्रेन को देखते हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान की पार्टी में पड़ी फूट, आखिर अब आगे क्या होगा? जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी सरकार बचाने की कोशिशों में जुट चुके हैं। इमरान सरकार की दिक्कत तब से और बढ़ गई जब उनकी ही पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 सांसद उनके ही खिलाफ हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये सांसद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इमरान खान के विरोध में मतदान कर सकते हैं। 28 मार्च को मतदान होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी MQMP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद यानी PMLQ ने इमरान खान ने मौजूदा सरकार को बचाने के लिए एक इमरान खान के बदले किसी और को PM बनाए जाने का फॉर्मूला पेश किया है। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, इसी पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच PM इमरान खान की बढ़ती टेंशन को लेकर अविश्वास प्रस्ताव के बीच सेना प्रमुख से इमरान ने की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, अपनी सरकार के खिलाफ चल रहे अविश्वास प्रस्ताव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। बैठक का उद्देश्य देश में हाल के राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ पाकिस्तान में आगामी इस्लामिक देशों के संगठन यानी OIC शिखर सम्मेलन पर चर्चा करना था। इसके अलावा इस दौरान बलूचिस्तान में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ योगी के शपथ ग्रहण में सोनिया गांधी के शामिल होने पर कांग्रेसी नेता को बड़ी आपत्ति। दोस्तों कहा, अल्पसंख्यकों में गलत संदेश जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेसी नेता राशिद अलवी ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इससे अल्पसंख्यकों में गलत संदेश जा सकता है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी अगले सप्ताह होने जा रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं दोस्तों। और ऐसे में दोस्तों क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों आप लोग कांग्रेसी नेता राशिद अलवी को, जो भारत को अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों में विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों इनके विचारधारा को आप किस नजरिए से देखते कमेंट में जरूर बताइएगा। और योगी जी के शपथ ग्रहण को लेकर उनको एडवांस में कांग्रेचुलेशन योगी महाराज और बुलडोजर बाबा जरूर कहिएगा। दोस्तों ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री राम वंदे मातरम हर हर महादेव।